हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। गोल्डी बराड़ की हत्या की अटकलों के बीच किस खास आदमी का नाम आया? सूर्य कुमार और मयंक यादव पर लोगों ने क्या कहा? गर्मी से परेशान थे, तगड़ा जुगाड़ लगा दिया। और पिक ऑफ द डे में बताएंगे सिनेमा को अलग नजरिए से दिखाने वाले पेज के बारे में। आज सुबह से एक खबर चल रही थी और दोपहर में आई एक अपुष्ट खबर ने उस बात को और बढ़ा दिया। पहली खबर थी कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के आरोपियों में से एक अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली। मुंबई पुलिस के हवाले से बताया गया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुज थापन का नाम एक सेलिब्रिटी पर हमले के प्रयास से जुड़ा था। ऐसी ही एक और सेलिब्रिटी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल मास्टरमाइंड के तौर पर नाम आया था, गोल्डी बराड़ का। गोल्डी बराड़ ने भी सलमान खान को धमकी दी थी। अनुज की बात चल ही रही थी कि सोशल मीडिया पर यह खबर फैली, गोल्डी बराड़ की हत्या की खबर। हैशटैग गोल्डी बराड़, सिद्धू मूसेवाला, सलमान खान, ये नाम ट्रेंड होने लगे। गोल्डी बराड़ का नाम आज ट्विटर का टॉप ट्रेंड रहा। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने लिखा, बड़ी खबर, गोल्डी बराड़ की अमेरिका में हत्या, ताबड़तोड़ गोली मारकर की गई हत्या। भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड था गोल्डी बराड़। अमेरिका में गोल्डी की हत्या की जिम्मेदारी डल्ला लखबीर ने ली है। तमाम न्यूज चैनल्स और पोर्टल्स पर भी हत्या की खबर या हत्या के दावों की बातें चली। जिम्मेदारियों से मुक्ति लिखी तस्वीर पर कैप्शन आए कि थक गया हूं भाई जिम्मेदारियां उठाते उठाते। बिग ब्रेकिंग कहकर अनुज की खबर बताई गई। साथ ही गोल्डी बराड़ के कैलिफोर्निया में हत्या के दावे हुए और लिखा गया, डोंट मेस विद सलमान खान, आई रिपीट नेवर। सलमान खान को धमकी की बात याद दिलाई गई। एक्शन रिएक्शन लिख के कहा गया कि झुककर रहना पड़ेगा सलमान खान के सामने। एक यूजर ने लिखा, गोल्डी बराड़ लोगों की जिम्मेदारी लेता था, आज उसकी जिम्मेदारी भी किसी ने ली है। इसलिए कहते हैं गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान का अंत बुरा होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, एक दिन हर कर्म का हिसाब चुकाना होता है। सलमान फैंस ने लिखा कि जो ले सलमान से पंगा उसको कर दे वहीं पे, फिर वो गंदा शब्द, गोल्डी बराड़ गोली चलाने वाला दुनिया से बाहर। दोनों खबरों को जोड़ा गया कि सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले ने पुलिस कस्टडी में हत्या की, उधर अमेरिका में गोल्डी बराड़ की हत्या हो गई। सिद्धू मूसेवाला के भाई का जिक्र हुआ, लिखा गया, सिद्धू मूसेवाला 2 अभी 2 महीने का भी नहीं हुआ, ले गोल्डी बराड़ आए। एक यूजर ने लिखा, एक ही तो जिम्मेदार आदमी था, वो भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के चला गया। खबर की पुष्टि ना होने पर भी लोग सचेत रहे। किसी ऑफिशियल बॉडी से पुष्टि ना होने पर कहा गया कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ की अमेरिका में मौत की खबर, गैंगस्टर को अमेरिका में गोलियां मारी गई, सच में ढेर कर दिया गया या फिर अफवाह मात्र है। सोशल मीडिया में एक टर्म चलता है, अननोन मैन। विदेश में जब भी भारत विरोधी लोगों, आतंकियों, आतंकवाद के समर्थकों, आतंकी समूह या भगोड़ों पर ऐसे हमले होते हैं तो खबर आती है किल्ड बाय अननोन मैन, माने अज्ञात हमलावर ने मारा। इस अज्ञात हमलावर पर लोग मूंछों में मुस्कुराते हैं और क्रिप्टिक सी पोस्ट करते हैं, माने उन्हें पता हो कि ये किसने किया या कराया हो। इस बार भी लिखा गया, अननोन मैन सुप्रीमेसी। एक यूजर ने लिखा कि अननोन मैन इज लव, लगता है आने वाले समय में रोमांच पसंद करने वाले लोग इस प्रोफेशन को चुनेंगे। कुछ सीधे ही सलमान खान से पंगा ले रहा था लिखते दिखे। IPL चल रहा है, सीजन में अगर किसी की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है तो नाम है मयंक यादव का। मयंक यादव लखनऊ की तरफ से खेलते हैं, तेज गेंदबाजी की वजह से इन्हें राजधानी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। मयंक चोटिल चल रहे हैं। अब बात तेज बैटिंग की, कौन सा नाम आपके दिमाग में आया? नहीं, रिंकू सिंह नहीं, हम बात सूर्य कुमार यादव की कर रहे हैं। स्काई मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, ये भी शुरुआती दौर में चोटिल हुए थे। अब बात कि दोनों सोशल लिस्ट में क्या कर रहे हैं। दरअसल महीनों भर से ऐसे जोक्स बन रहे हैं कि दोनों एक ही इंसान है। जैसे एक यूजर ने लिखा कि मयंक यादव के बाहर जाने पर ही सूर्य कुमार की वापसी हुई, क्या किसी ने दोनों को एक ही कमरे में देखा है कभी? एक और ट्वीट था, लिखा गया, मयंक यादव का मुंबई के खिलाफ खेलना तय हो गया है, शायद अब हमें पता चलेगा कि क्या वो सूर्य कुमार यादव क्लार्क केंट और सुपरमैन की तरह हैं, जिन्हें कभी एक ही जगह पर एक साथ नहीं देखा गया। वैसे देखा तो किसी ने मुझे और धोनी को भी एक साथ एक कमरे में नहीं, इसका क्या मतलब? तो दोनों के एक तरह से दिखने की बड़ी बातें होती हैं। अब दोनों की एक साथ वाली तस्वीर सामने आई और ओ हो, इंटरनेट पे हल्ला मच गया। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर कैप्शन के साथ दोनों की तस्वीर अपलोड की, दो शक्तिमानों की तस्वीर अपलोड भी की गई। लिखा गया, AI बहुत खतरनाक है, कुंभ में मेले में बिछड़ गया भाई भी बताया गया। एक यूजर ने कहा कि बस 19-20 का फर्क है। आ गई है मई और आखिरकार इस बात का जवाब मिलेगा जो पिछले 2 महीनों से पूछ कर लोगों ने दिमाग खराब किया हुआ है। ये सवाल ऐसा है जो बस ऐसे ही आ जाता है, जैसे किसी ठीक ठाक चली रील में कोई नकली ID से आता है अवेलेबल वाला कमेंट, जैसे वड़ा पाव वाली लड़की के ठेले में आ जाते हैं ब्लॉगर। अब आप कहेंगे सवाल कौन सा, वही बताओ, अभी मार्च अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ रही है तो मई जून में क्या होगा, क्या होगा ये इस वीडियो में बताया गया है, देखिए। We'll be right back.
इस वीडियो में आप विज्ञान की बात कर सकते हैं कि ऐसे चीजें काम नहीं करती, इससे गर्मी और बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है, आपकी वैज्ञानिक चेतना जाग गई है, आपको सिर्फ वैज्ञानिक चीजें देखना है तो ठीक है, आपको दिखाते हैं कि सटीक विज्ञान का इस्तेमाल करके कैसे सब कुछ सरल बनाया जा सकता है। कल के सोशल लिस्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे पेमेंट ऐप से कैशबैक मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। वैसे लग नहीं रहा है कि कल का सोशल लिस्ट देखा होगा आप लोगों ने, नहीं ना, तुम लोग दोस्तों की भेजी रीलें देखने में घंटे बिता दोगे। मैं भी तो दोस्त हूँ, तुम्हें रीलें दिखानी नहीं आता हूँ, मेरे वीडियो नहीं देखने हैं। खैर, कल का वीडियो देखा होता तो मालूम होता कि कल कैशबैक की बात की थी। बस यहीं से लग रहा है कि गलती हो गई। हम लोगों की आपस की बात शायद इंस्टाग्राम वाले सुन लेते हैं, क्योंकि अब मेरी क्या कहते हैं उसको, मेरी फीड में उसी टॉपिक पे रीले आने लगी हैं। वैसे इनका कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, पहले जो सामान चाहिए होता था आप उसको गूगल करते थे, उसी के ऐड आने लग जाते थे। माने अगर मैं जूता सर्च कर लूँ तो मेरी फीड में सिर्फ और सिर्फ जूते के ही ऐड्स आते थे। अभी ऐड वाले भी समझदार हो चुके हैं, अब तो बस साफ दिमाग में सोच लो आपको ऐड आने लग जाएंगे। वैसा ही अब हुआ, रील देखो, क्योंकि इस वीडियो में जो कहा गया है वो कुछ ज़्यादा ही सच है। फीड कहते हैं उसको। डियर जीपी, प्लीज़ ब्रिंग बैक योर कैश रिवॉर्ड्स। The 2 rupees, 3 rupees and 5 rupees genuinely made me believe that I am also lucky in some way. I do not want these hair serums at 50% off and skincare at 70% off. No, I do not want that. And I definitely don't want fast track glasses and skull candy earphones at 70% off. So please bring back the 2 rupees and 3 rupees. जो करना है शादी के बाद करना, ये बात हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी से सुनी ही होगी। ये कितनी अजीब बात है कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, लेकिन हमारा देश आपदा में अवसर तलाशने वाला देश है, जिनको जो कहा जाता है कि जो करना शादी के बाद करना, उन्होंने इस आपदा को बड़ी मज़ेदार तरीके से अवसर में बदल लिया है। कैसे बदला है ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सही सटायर है ये वैसे तो। गाइस, आज हम रात में घूम रहे हैं अपने जीजा जी के साथ, ये हमारी बड़ी बहन जी हैं। तो वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा जैसे वो लाइन बोली गई ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत यही होती है। भाई देखो, शादी से पहले तो आज तक मम्मी पापा ने कहीं जाने नहीं दिया, ठीक है। गलती से अगर कह देते ना कि किसी की बर्थडे पार्टी में भी जाना है तो भैया हंगामा हो जाता था घर में। है मम्मी पापा, मम्मी बोलती थी पापा से पूछ लो, पापा बोलते थे मम्मी से पूछ लो। अरे हद है यार, जाने दो, बच्चे हैं, मजे करेंगे। लेकिन नहीं, क्यों, कुछ भी बोलो शादी के बाद कर लेना, कुछ भी बोलो शादी के बाद कर लेना, घूमना है शादी के बाद घूम लेना, खाना खाने जाना अरे शादी के बाद चले जाना। अब देखो यही कीमत होती है भाई एक चुटकी सिंदूर की। सोशलिस्ट में अब आई है पिक ऑफ द डे की, और आज के पिक ऑफ द डे का जो पेज है वो बड़ा खास है। अगर आप फिल्मों में दिलचस्पी लेते हैं, सिर्फ फिल्में देखना नहीं उनकी कहानियां भी पढ़ना पसंद करते हैं, फिल्मों को बेहतर तरीके से देखना और समझना चाहते हैं, तो गैंग्स ऑफ सिनेपुर पेज आपके लिए है। आप इसको देख सकते हैं, फिल्मों को देख सकते हैं, बाकी सोशल लिस्ट भी देखते रहा करिए, और जरूरी सूचना तो रोज ही सुनते हैं तो वो भी सुन जाइए कि लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गाँव या शहर में आएँ तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर सीट को बनाते हैं। खास बताना कहाँ है उसके लिए है chunav@lallantop.com। यहाँ पे मेल कीजिए, सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी भर सकते हैं। सूचना समाप्त। फीड भूल जाता हूँ, फीड नहीं है यहाँ पे, फीड।